हत्या का कारण ये रहा कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो ईवीएम की हैकिंग कराई उसकी पूरी जानकारी गोपीनाथ मुंडे को थी। पिछले साल 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गौकशी के बाद बीजेपी के सहयोगी बजरंग दल के नेता योगेश राज ने दंगा भड़का दिया और जगह जगह आगजनी कराने लगा। घर में गोमांस रखने का बहाना बनाकर कट्टर हिंदूवादी दलों से जुड़े लोगों ने अखलाक की घर में घुसकर हत्या कर दी। चिराग की लाश मिलने के बाद गुजरात का पूरा प्रशासन मिलकर उनकी हत्या को हादसा बताने पर तुल गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ये एक हत्या है। फसल का दाम मांगते 6 किसानों की एक साथ हुई सरकारी हत्या पर पूरा देश स्तब्ध रह गया। तमिलनाडु पुलिस ने वहां मौजूद 15,000 लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और 13 लोगों को स्नाइपर्स ने चुन चुन कर मारा। होलिका दहन की रात जब पूरा देश होली की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक ने एक मुसलमान की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर कर दी। राजस्थान के राजसमंद जिले में शंभू रैगर ने एक बंगाली मुस्लिम मजदूर की गैती से काट कर हत्या की है। मोदी का परम भक्त शंभू रैगर हत्या के दौरान इसका फेसबुक लाइव भी करता रहा। आपको बता दें कि बीजेपी के इस व्यापम घोटाले में अब तक कुल 40 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस मामले में बीजेपी का एक मंत्री भी जेल में बंद है। कि कलबुर्गी की हत्या के पीछे दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के एक संगठन का हाथ है। बल्लभगढ़ में रहने वाले 16 साल के जुनैद की हिंदूवादी धड़ों से जुड़े लोगों ने ट्रेन में चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। कॉमरेड गोविंद पानसरे सुबह अपनी पत्नी के साथ सागर मॉल इलाके में टहलने निकले थे, तभी कुछ बाइक सवारों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक जज की हत्या के आरोप ने पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार को न सिर्फ हिला कर रख दिया बल्कि अभी भी परेशान किए हुए है। इसके पीछे उनका इस फेक एनकाउंटर में फंसे अमित शाह को बरी कराने का मकसद था। पूछताछ में बाघमारे ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वो किसे मार रहा था, लेकिन हिंदू धर्म की गौरी से रक्षा करने के लिए उसने गौरी की हत्या की। रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश की यूनिवर्सिटियों को उबाल दिया।